हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज एंड वेदर क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है। एंड आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बिकॉज आपके एग्जाम्स जो है वो नज़दीक आ रहा है। एंड इस एमसीक्यू सेट में मैंने कुछ टेक्निकल क्वेश्चन लिए हैं, सो चेक योर प्रिपरेशन इन ए गुड वे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, द प्लेस टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस डैश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ साइड प्लेस होते हैं उनमें किस टाइप का क्लाइमेट होता है, अगर हम इंडिया का मैप बनाएंगे। बेसिकली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है, गुजरात से, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, धीरे धीरे त्रिपुरा, मिजोरम से पास होता है। अब इसके नॉर्थ साइड जो स्टेट्स हैं, चाहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी वगैरह की बात करेंगे, तो इनमें जो टेम्परेचर होता है या क्लाइमेट होता है वो होता है कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है, तो सी से दूर है, दैट्स अ कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। एंड कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है कि समर एंड विंटर में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगी वो बहुत ज्यादा होगी, यानी समर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और विंटर में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आप दिल्ली में अभी देख रहे हो कि इतनी ज्यादा इंटेंसिटी वाली फॉग पड़ रही है। सो ये रीजन है बेसिकली कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का। अब अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे, जो साउथ इंडिया में जो स्टेट्स या कोस्टल एरिया में जो यहाँ पे स्टेट्स है, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, केरला, तमिलनाडु वगैरह की बात करेंगे, तो इनमें होता है बेसिकली मेरी टाइम या इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी जो समर एंड विंटर में जो टाइम डिफरेंस है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। क्वेश्चन सेकंड, द स्टेट ऑफ पंजाब फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ द कंट्री। अब पंजाब स्टेट किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में अलाई करते हैं? बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन थी उन्होंने 1989 में इंडिया को 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था। अब वो हम अभी मैप के थ्रू से देखेंगे ये 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन कौन है। अब किस बेस पर किया था, ऑन द बेस ऑफ कि सॉइल की टाइप कैसा है वहाँ पर, या रेनफॉल कितना हो रहा है वहाँ पर, या टेम्परेचर कैसा है एंड ऑल। एंड अब बेसिकली वो कि जो क्लाइमेट होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी रीजन के जो वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर सिनेरियो को डिफाइन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले कौन, क्लाइमेट। नो अब ये आप देख सकते हैं ये बेसिकली 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोनस है। अब हम एक एक करके देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड अदर स्टेट्स है इनका नाम रख दिया गया है वेस्टर्न हिमालयन जोन। इस तरह से ये जो यहाँ पे 7 स्टेट्स एंड सिक्किम एंड अदर स्टेट्स है इसका नाम रख दिया गया है ईस्टर्न हिमालय। इस तरह थर्ड वन है इसका नाम रख दिया गया है लोअर गंगटिक प्लैनस। फोर्थ का है मिडिल गंगटिक प्लैनस। फिफ्थ का है अपर गंगटिक प्लैनस। इस तरह सिक्स्थ वन है इसका नाम रख दिया गया ट्रनस गंगटिक प्लैनस। इसी में आपका पंजाब एंड हरियाणा भी आता है इस जोन में, इंटरनस गंगटिक प्लैनस में। इस तरह से 7th वन है आप देख सकते हैं कि इसका नाम रख दिया गया है ईस्टर्न प्लेटो एंड हिल्स। इस तरह से यहाँ पे 8th वन है इसका नाम रख दिया गया है सेंट्रल प्लेटो एंड हिल्स। इस तरह से 9th वन है इसका नाम रख दिया गया है वेस्टर्न प्लेटो एंड हिल्स। इस तरह से आप ये देख सकते हैं 15 जोन से आप इसका स्क्रीन शॉट उठा सकते हैं, देन आपको ये एक दो बार इसको रीड करोगे तो ये खुद याद हो जाएगा। नो अब अपना क्वेश्चन था कि जो पंजाब है वो किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है, दैट इज ट्रनस गंगटिक प्लैनस रीजन। सो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन थर्ड, द वेस्टर्न कोस्ट गेट्स इट्स हेवीएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग डैश बाय साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। तो वी नो कि जो मॉनसून है वो इंडिया में एंटर करते हैं अर्ली जून में, एंड पहले वो हिट करते हैं जो वेस्टर्न कोस्ट में, यहाँ पे जो मलाबार कोस्ट है केरला में उसी को हिट करते हैं पहले। एंड दैट्स वाई इसी मंथ में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होते हैं वेस्टर्न कोस्ट को। दैट इज कब, दैट इज जब मॉनसून एंटर करता है, दैट इज जून। सो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन फोर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रिडिक्टेड इन अ डेली वेदर रिपोर्ट। डेली वेदर रिपोर्ट में हम क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, टेम्परेचर भी करते हैं, रेनफॉल भी करते हैं, ह्यूमिडिटी भी करते हैं, अब क्लाइमेट नहीं करते बिकॉज जो क्लाइमेट है इट्स अ लॉन्ग रन फिनोमेना। सो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन फाइव, द प्लेस इन पेनिनसुलर इंडिया इवन एट हाई ऑल्टीट्यूड नेवर एक्सपीरियंस एनी स्नोफॉल बिकॉज ऑफ। तो जो प्लेस है पेनिनसुलर इंडिया में, ये साउदर्न इंडिया में जो प्लेस है, यहाँ पेनिनसुलर इंडिया में एक इवन की जो प्लेस हाई ऑल्टीट्यूड पे भी वहाँ पे कभी भी स्नोफॉल नहीं होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये रीजन जो है वो टॉरिड जोन में आता है, यानी या ये इक्वेटर से जो है वो इक्वेटर से करीब है। सो इसका राइट आंसर है नियरनेस टू द इक्वेटर। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज वाई यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होती है। क्वेश्चन सिक्स, दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द हॉट रेनी सीजन एंड कोल्ड ड्राई सीजन। रिट्रेटिंग मॉनसून विंडस रिजल्ट्स इन क्लियर स्काइज, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, द स्टेट ऑफ वेदर इज नोन एज। बेसिकली जो ये ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन हॉट रेनी सीजन एंड कोल्ड ड्राई सीजन, उन्हों की बेसिकली जो रेनी सीजन है वो इंडिया में स्टार्ट होता है जब मॉनसून एंटर करता है, दैट इज जून टू अक्टूबर तक। एंड देन अक्टूबर में जब यही मॉनसून जो है वो रिट्रीट करता है, तो जो ये रिट्रीटिंग मॉनसून विंडस होते हैं ये अक्टूबर में हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं, तो उस वेदर कंडीशन को कहते हैं उस टाइम पे अक्टूबर हीट। सो राइट आंसर इज बी। नो ऑल्सो अगर हम प्री मॉनसून शावर्स की बात करेंगे, तो जो प्री मॉनसून शावर्स होते हैं ये मॉनसून एंटर करने से पहले ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हो जाते हैं। जैसे आपने काल बैसाखी पढ़ा होगा, आपने टी शावर्स पढ़े होंगे, मैंगो शावर्स पढ़े होंगे एंड ऑल। इस तरह से अगर हम लू की बात करेंगे, तो लू भी मॉनसून एंटर करने से पहले ब्लो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। आप ऑब्जर्व करोगे एक ड्राई एंड डस्टी विंड होते हैं, बहुत हॉट विंड होते हैं जो आप ऑब्जर्व करोगे नॉर्दर्न स्टेट्स मोस्टली, जैसे आप जम्मू प्लेन्स में जाएंगे या पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में या यूपी में, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे। तो ये भी मॉनसून एंटर करने से पहले
हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्जाम में, आपको स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ना है, देन आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। क्वेश्चन 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रेनफॉल ऑकर मेनली ड्यूरिंग विंटर्स। तो इनमें से किस रीजन में रेनफॉल होते हैं मोस्टली विंटर्स में। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, वी नो कि इंडिया में भी रेनफॉल होते हैं विंटर्स में कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में, एंड जे एंड के में स्नो फॉलिंग भी होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, दैट इज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली जो मेडिटेरियन सी है, जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो मेडिटेरियन सी है, वहाँ से बेसिकली जो मॉइस्चर बेयरिंग विंडस आती है उनकी वजह से हो जाती है रेनफॉलिंग कहाँ पे, नॉर्दर्न स्टेट्स में इंडिया में। तो इस वजह से क्या होता है, जो इसका मतलब है जो मेडिटेरियन रीजन है उसमें बेसिकली विंटर में रेनफॉलिंग होती है। तो इसका राइट आंसर है देन मेडिटेरियन रीजन, सो इज राइट आंसर। क्वेश्चन 8, इन विच प्लेस ऑफ इंडिया देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स। तो इन गिवन प्लेस में से कौन से प्लेस में जो डे एंड नाइट टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। वी नो कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो बेसिकली कोस्टल एरियाज़ में जो प्लेस या स्टेट्स होते हैं जो सी के नियर पे होती है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आते हैं। सो अब इनमें से कौन सी स्टेट या प्लेस हैं जो नियर पे कोस्टल एरियाज़ पे के पास रहती है, दैट इज़ बिहार नहीं है, यूपी मध्य एमपी नहीं है, सो केरला है। सो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन 9, व्हेन ए क्लाउड बर्स्ट आकर। जो क्लाउड बर्स्ट है वो कब आकर होता है, जब सडन एंड वेरी हैवी रेनफॉल होगी तो तब आकर होता है। सो इसका राइट आंसर है ए। एंड बेसिकली लास्ट ईयर हमने देखा था कि पहलगाम में अमरनाथ केव के पास ही क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहाँ पे 7-8 लोगों की डेथ भी हुई थी। क्वेश्चन 10, द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ इज़ द। अर्थ का कोल्डेस्ट रीजन कौन है, आपने बेसिकली ग्लोब में पढ़ा होगा कि यहाँ पे इक्वेटर है, उसके बाद से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, उसके बाद ये आर्टिक सर्कल है और ये एंटार्क्टिक सर्कल है। अब जो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ये रीजन है, इसे कहते हैं टॉरिड जोन। यहाँ पे जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल तक और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक ये रीजन है, इसे कहते हैं टेम्परेट जोन, उतनी गर्मी नहीं पड़ती है। उसके बाद से जो ये आर्टिक सर्कल से लेकर ये वाला रीजन जो है, एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर ये वाला रीजन जो है, इसे कहते हैं फ्रिजिड जोन या पोलर जोन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो जो कोल्डेस्ट रीजन है दैट इज़ पोलर रीजन, सो इज राइट आंसर। क्वेश्चन 11, विच आर द फॉलोइंग रीजन्स कैन बी सेफली कॉल्ड द बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम्स। अब किस रीजन को बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम्स कहते हैं, बेसिकली आपने विंडस पढ़े होंगे, वहाँ पे आपने लो प्रेशर बेल्ट एंड हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ा होगा। अब जो लो प्रेशर बेल्ट है कहाँ पे होता है, वो इन्हों की जो इक्वेटर है वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट रहते हैं, दैट्स वहाँ पे जो आयर की इंटेंसिटी वो कम रहती है, दैट्स वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होता है। और उसी लो प्रेशर बेल्ट को हम कहते हैं डोल्ड्रम्स। सो कहाँ पे किस रीजन को कहते हैं, दैट इज इक्वेटोरियल रीजन को, सो इज राइट आंसर इज सी। अब उसके बाद जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, हाई प्रेशर बेल्ट उसको हम कहते हैं हॉरस लैटिट्यूड, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 12, द लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थस एटमॉस्फेयर इज। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसका जो लोवेस्ट लेयर है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रॉपोस्फेयर, सो इज राइट आंसर। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। तो जब इंडिया में कोल्ड वेदर सीजन आता है आफ्टर रोटेटिंग मॉनसून अक्टूबर के बाद, जब कोल्ड वेदर सीजन आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें मोस्टली जो डेज हैं वो वार्म होते हैं एंड जो नाइट्स हैं वो कोल्ड होते हैं। सो डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड, सो राइट आंसर इज सी, सो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 14, इन विच क्लाइमेट इज द मेडिटेरेनियन सी शर्बस लोकेटेड। अब जो मेडिटेरेनियन सी शर्बस है वो किस क्लाइमेट में लोकेट है, अब जो मेडिटेरेनियन सी शर्बस है इसमें क्या आता है, इसमें जो उसके अराउंड जो सिट्री में से आता है जो सीज वगैरह है वो कहाँ पे लोकेट है। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, वो इन्हों की जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्दर्न इंडिया में एंड जे एंड के ऑल में जो है वो स्नो फॉलिंग या रेन फॉलिंग होती है। अब वी ऑल्सो नो की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अब जो भी नॉर्दर्न स्टेट्स है या नॉर्दर्न इंडिया की जो स्टेट्स है वो ट्रॉपिक कैंसर से ऊपर ऊपर है। अब इस ट्रॉपिक कैंसर से ऊपर से लेके आर्टिक सर्कल तक जो भी इसमें ये रीजन आता है ये बेसिकली टेम्परेट जोन में आता है। अब इस टेम्परेट जोन में आता है तो जो इसका मतलब है जो मेडिटेरेनियन सी शर्बस है वो भी कहाँ पर लोकेट करेंगे, वो वार्म टेम्परेट जोन में ही आएंगे, सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन इंडिया रिसीव्स द लोवेस्ट रेनफॉल। तो इंडिया की कौन सी प्लेस है जहाँ पर लोवेस्ट रेनफॉल होती है, राजस्थान में, दैट इज़ जैसलमेर, सो राइट आंसर इज डी। एंड सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है, दैट इज़ मौसनराव में। अब कमेंट सेक्शन में ये लिखो कि किस स्टेट एंड कौन से हिल पे है मौसनराव। एंड इंडिया की जो ड्राइस्ट प्लेस है दैट इज़ द्रास, कहाँ पे है लोकेट वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। क्वेश्चन 16, मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथस। तो कौन से मंथस में इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है जब मानसून एंटर करता है, दैट इज़ जून टू अक्टूबर तक, सो राइट आंसर इज जून टू सितंबर, सो इज राइट आंसर। क्वेश्चन 17,
विच विंडस ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मैन लैंड ऑफ इंडिया, तो किन विंडस की वजह से सबसे ज़्यादा रेनफॉल होते हैं मैन लैंड इंडिया में, दैट इज साउथ वेस्ट मूनसून विंडस की वजह से जो जून टू अक्टूबर तक रहती है. सो राइट आंसर इज साउथ वेस्ट मूनसून, सो सी इज राइट आंसर. क्वेश्चन 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया हैव कूलर क्लाइमेट इवन ज्यूरिंग समर्स, तो इन गिवन प्लेस में से कौन सी प्लेस ऐसे है जहाँ पे कूलर क्लाइमेट रहता है इवन समर्स में भी, दैट इज मसूरी. सो राइट आंसर इज सी. क्यों रहता है, क्योंकि एक हिली एरिया है एंड हिली टूरिस्ट स्पॉट है ये, एंड यहाँ पे एक फेमस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, आप में से बहुत सारों ने सुना होगा इसका नाम, दैट इज लबसना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे आफ्टर क्वालिफाइंग यूपीएससी एग्जाम आईएएस वगैरह की यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं. आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ जो मसूरी है इंडिया के किस स्टेट में लोकेट है. क्वेश्चन 19, वेदर चेंजेस, वेदर कब चेंज होता है, डे आफ्टर डे दिस इज ट्रू, विद इन अ शॉर्ट पीरियड में भी होता है, वीक आफ्टर वीक में भी होता है. सो इसका राइट आंसर है डी, दैट इज इन एनी ऑफ द अबाउट टाइम पीरियड, सो डी इज राइट आंसर. क्वेश्चन 20, द लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज, अब साउदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट कब होती है. अगर हम इक्वेटर ग्लोब बनाएंगे तो ग्लोब में आप इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे ये है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट कब होते हैं, दैट इज डिसंबर 22 में, सो राइट आंसर इज बी. एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट होता है दिसंबर 22 को, दैट इज लॉन्गेस्ट नाइट होगी और शॉर्टेस्ट डे होगा. इस तरह से अगर हम जून 21 की बात करें, जून 21 में जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे होता है शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट, ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन 21, विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज अ गार्डन ऑफ स्पाइसेस, अब किस इंडियन स्टेट को गार्डन ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, क्योंकि स्पाइसेस बहुत निकलते हैं यहाँ, दैट इज केरला को, सो राइट आंसर इज ए. क्वेश्चन 22, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन नहीं है, राइस खरीफ क्रॉप है, पल्स भी खरीफ क्रॉप है, मेज भी खरीफ क्रॉप है, जो वीट है ये रबी क्रॉप है, सो राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन 23, मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच आर द फॉलोइंग क्रॉप्स, एमपी जो है उस वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस क्रॉप के हैं, दैट इज पल्सेज मोस्ट प्रोड्यूस होते हैं मध्य प्रदेश में, सो राइट आंसर इज ए. अब मस्टर्ड वीट एंड राइस किस स्टेट में मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो. क्वेश्चन 24, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन इंडिया जीडीपी, तो इंडिया की जीडीपी में इन गिवन सेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, दैट इज सर्विस सेक्टर, सो राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन 25, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन एज अ राइस बाउल ऑफ इंडिया, तो इन गिवन स्टेट्स में से किस स्टेट को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया, दैट इज़ आंध्र प्रदेश को, सो राइट आंसर इज सी. अब नो डाउट कि जो राइस है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वेस्ट बंगाल में, देन सेकंड नंबर पे है पंजाब, देन यूपी, बट जो टाइटल मिला है राइस बाउल ऑफ इंडिया वो किसको मिला है, आंध्र प्रदेश को. वो कमेंट सेक्शन में ये बताओगे क्यों मिला ये टाइटल आंध्र प्रदेश को. तो विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है. आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए. गुड बाय.